नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट विद नारायण के साथ। तो गाइस, आज हम क्रिकेट के तीन बड़े न्यूज लेकर आए। तीनों न्यूज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर वन गाइस, उमरान मलिक ने जो कहा था वो करके दिखाया। उन्होंने कहा था कि वो 160 की स्पीड से बॉल डालेंगे और उन्होंने डाल के दिखाई है। हाल ही में होने वाली इंडिया और साउथ अफ्रीका के सीरीज के लिए इंडिया की नेट प्रैक्टिस चल रही थी, जिसमें उमरान मलिक ने 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बॉल डाली। उमरान मलिक के स्पीड को लेकर इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने भी उनकी काफी ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीफ की। उमरान मलिक को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया स्पीड को लेकर, तो उन्होंने कहा कि मैं 160 की स्पीड से लगातार बॉलिंग डालना चाहता हूं, वो भी लाइन और लेंथ के साथ। नंबर टू गाइज, ये है रौनक, जो कि दिल्ली से है और जो सिर्फ 14 साल का है। इसे साउथ अफ्रीका के लिए नेट बॉलर चुना गया था और इसने नेट प्रैक्टिस में एडम मार्करम, साउथ अफ्रीका के कैप्टन टेम्बा बमुमा और शामसी की विकेट ली। खुद ऋषभ पंत और इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने भी उसकी काफी ज्यादा तारीफ की। नंबर थ्री गाइज, रवि शास्त्री ने एक स्टेटमेंट दिया हार्दिक पांड्या के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा कि बीसीसीआई ने हार्दिक पांड्या को वनडे मैचेस नहीं खिलाना चाहिए जब तक टी20 वर्ल्ड कप नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि हार्दिक पांड्या को सिर्फ टी20 खिलाना चाहिए, जिससे कि उसका वर्कलोड मैनेज हो और वो फ्रेश फील करे। गाइज, आपको क्या लगता है कि उन्हें सिर्फ टी20 खिलाना चाहिए? आपके क्या इस पर व्यूज है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए गाइज, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।